पद्मिनी प्रीमियर और लेक्सस से लेकर लैंडलाइन फोन्स और वो 8 जितने बड़े पहले मोबाइल फोन्स तक स्कैम 1992 लेट 80s और 90s के नॉस्टैल्जिया में जी रहे लोगों के लिए एक तरीके का खजाना है। पहले एपिसोड में ही जब एक बैंक एम्प्लॉई हर्षद मेहता स्कैम की इन्फॉर्मेशन देने न्यूज़पेपर ऑफिस पहुंचता है तो सबसे पहले लेजेंड कार्टूनिस्ट कहे जाने वाले आर के लक्ष्मण से टकराता है। 90s में बड़े हुए लोगों को पहला कनेक्ट तो यहीं पर मिल जाता है। हर्षद मेहता का स्टॉक मार्केट स्कैम या बैंकिंग स्कैम या फाइनेंशियल फ्रॉड इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े और मार्केट को हिला कर रख देने वाले सबसे भयंकर फाइनेंशियल क्राइम्स में से एक है। इस पूरे स्कैम के बारे में बहुत सारी डिटेल अब पब्लिकली अवेलेबल है। जर्नलिस्ट सुचेता दलाल, जिन्होंने सबसे पहले अपनी स्टोरी में इस स्कैम की पोल खोली थी, उन्होंने देवाशीष बसु के साथ मिलकर द स्कैम नाम की एक किताब भी लिखी थी जिस पर यह शो बेस्ड है। स्कैम 1992 में आपको बहुत सारी रियल लाइफ पर्सनैलिटीज, पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट देखने को मिलेंगे और इनमें से अधिकतर के रियल नाम ही शो में यूज किए गए हैं। मतलब शो के मेकर्स ने पूरी हिम्मत के साथ कहानी स्क्रीन पर उतारी है। फाइनेंशियल क्राइम पर बेस्ड स्टोरीज को स्क्रीन पर देखना तभी मजा देता है जब आपको टेक्निकलिटीज भी समझ आती रहे और आप स्टोरी के लीडिंग कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाए। स्कैम 1992 में ये दोनों ही चीजें होती हैं। इस शो में शेयर मार्केट के टर्म्स और बिजनेस को आसानी से एक एवरेज व्यूअर के लिए एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा ज्यादा फूड फॉर थॉट चाहिए उन्हें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी। डायरेक्टर हंसल मेहता डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में स्टोरीज को स्क्रीन पर उतारने में कितने एक्सपर्ट हैं ये किसी डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है, और रिसर्च में उनकी टीम का ये एक्सपर्टीज आपको स्कैम 1992 में भी देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं पर मुझे ऐसी फीलिंग आई कि शो में जितना फोकस उस टाइम का माहौल बनाने में किया गया है, हर्षद के काम करने के तरीके पर भी उतना ही फोकस किया जाता तो थोड़ा और मजा आता। उस वक्त देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइम को अंजाम देने वाला बंदा बहुत सारे पंगों से तो बस डायलॉग मार के विनिंग स्माइल देता हुआ निकल जाता है। सौरभ डे और सुमित पुरोहित का स्क्रीन प्ले पहले 5 एपिसोड्स में तो काफी एंगेजिंग लगता है, लेकिन स्कैम सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स में पेस थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। शो के इस पार्ट में इस स्कैम का खुलासा करने वाली जर्नलिस्ट सुचेता दलाल का कैरेक्टर भी थोड़ा सा भटका हुआ सा लगता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद ऐसा लगता है जैसे शो खुद हर्षद को ही एक विक्टिम की तरह ट्रीट कर रहा है। सारा दोष पूरी तरह उस बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम पर देने की कोशिश हो रही है जिसके लूपहोल्स का फायदा हर्षद ने उठाया। लेकिन मैं ये शो पूरा एक बार में देख गया। मैं नहीं कहता कि सबके साथ ऐसा ही होगा, मगर फिर भी ये शो काफी एंगेजिंग लगा। हर्षद मेहता का लीडिंग कैरेक्टर प्ले कर रहे प्रतीक गांधी में एक सादगी और एक तरीके की लाइकेबिलिटी है। वो दिखने में रियल हर्षद मेहता से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, लेकिन कैरेक्टर में उनका कन्विक्शन इसे स्क्रीन पर गदर बना देता है। सुचेता दलाल के रोल में श्रेया धन्वंतरी का काम भी काफी पावरफुल है। हर्षद के भाई के रोल में हेमंत खेर, उनके एसोसिएट बने चिराग वोरा, अनंत महादेवन, के रैना, रजत कपूर, सतीश कौशिक, सबका काम बहुत जानदार है। कुल मिलाकर कहूं तो दलाल स्ट्रीट पर अपने नाम का झंडा गाड़ने निकले हर्षद मेहता की कहानी, जिसने पॉलिटिकल सर्कल्स को हिला कर रख दिया, उसे एक नॉस्टैल्जिया के सेंस के साथ स्क्रीन पर दिखाने में स्कैम 1992 बहुत सक्सेसफुल है और ये शो जरूर देखा जाना चाहिए। हमारी तरफ से स्कैम 1992 को 4 स्टार्स।